नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उषा मिश्रा के हमारा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी जूस, और इस जूस को हम बनाएंगे चुकंदर और पालक से। पालक और चुकंदर में बहुत अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है, इसलिए आप इसका सेवन कर सकते हैं। बहुत ही फायदेमंद है। यदि आपके शरीर में खून की कमी है या आयरन की कमी है तो इसका ज़रूर सेवन करें। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने चुकंदर को अच्छे से धुल लिया है और इसको अब हम छील लेते हैं। ये बड़ी आसानी से इसका छिलका उतर जाता है। आप इसको छीलकर ही इसका जूस बनाएं, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। और इसको हमें अच्छे से डंठल हटा करके छीलना है। तो देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से इसको छील लिया। तो हम छोटे 2 गिलास या 1.5 गिलास जूस बनाएंगे, तो इसके लिए हम इसको काट लेते हैं। तो मैंने 1 चुकंदर लिया है, इसको हमें बहुत पतला पतला काटना है, मोटा मोटा बिल्कुल नहीं काटना है। तो बारीक कट लगा करके इसको काट लेना है। अब मैंने ये 150 ग्राम पालक ली हुई है, ये ताजी पालक है। तो जब भी आप जूस बनाएं तो ताजी पालक लें और उसको अच्छे से 4-5 पानी से धो लें, जिससे कि इसमें मिट्टी या कुछ गंदगी हो निकल जाए। क्योंकि इसमें यदि मिट्टी होती है तो फिर टेस्ट खराब आएगा और ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसको धुलना बहुत ज़रूरी है। और बहते पानी में इसको धुलें अच्छे से। तो देखिए, मैंने इसको कुछ इस तरीके से कट कर लिया है, हमें रफली चॉप करना है। तो अब हम एक जार लेते हैं, तो इसमें हम डाल देते हैं इसको दोनों को। और अब हम इसमें अदरक डाल देते हैं। तो मैंने 1 इंच का छोटा सा टुकड़ा लिया है अदरक के लिए। अब 1 गिलास पानी इसमें डाल देते हैं। तो हम 1.5 गिलास जूस बनाएंगे। तो देखिए, हमारा ये अच्छे से ग्राइंड हो गया है। तो इसको दबा दबा करके इसका जूस निकाल लेंगे। तो चम्मच की सहायता से कुछ इस तरीके से प्रेस करके हम स्ट्रेनर में डाल करके निकालेंगे। आप चाहें तो सूती महीन कपड़े से इसको छान सकते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं नींबू। तो मैंने 1 छोटा सा नींबू लिया है, तो इसको हम डाल देते हैं इसमें। अब इसमें हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच भुना जीरा पाउडर और काला नमक। तो नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालें। इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और अब हम सर्व करने के लिए गिलास में इसको निकाल लेते हैं। तो 150 ग्राम पालक और 1 चुकंदर में ये 1.5 गिलास जूस बना हुआ है। अब एक हम इसमें नींबू का टुकड़ा लगा देते हैं, जिससे कि ये देखने में अच्छा लगे। तो हमारा बढ़िया सा जूस बनकर तैयार है। इसको आप सुबह, दोपहर, शाम को पी सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी बना है। तो दोस्तों, यदि ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।